गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होवा जूकर सूरज निकलिया तारे छिपे अंधेर पलोआ। सो असी खड़े हाँ सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते सारी संगत नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहा बदो पुरख बधाते तां तू सोहिया तुसीं देख सकदे जो। कल नगर कीर्तन जड़ा ननकाणा साहिब दी उस पावन पवित्र धरती तो चल के अमृतसर पहुँचा जिथे गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया। सो वह नगर कीर्तन दे विच संगतां जिहड़ियां उन्हां दे विच इन्नी श्रद्धा देखण नूं मिली कि वह नगर कीर्तन कल जदों 3:30 बजे एंटर हुंदा आ भारत की सरहद दे विच तां उत्थों लै के दरबार साहब अमृतसर तक पहुँचण लग्या उसनूं काफ़ी ज़्यादा समा लगा ते सवेरे 5:30 बजे इत्थे नगर कीर्तन पहुँचा। सो हुण इत्थों नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास उपरंत रवाना होवेगा। अज का जिहड़ा रूट है नगर कीर्तन का वह अमृतसर तो चल के मजीठा, मजीठे तो फतेहगढ़ चूड़िया, फतेहगढ़ चूड़िया तो मालेवाल, मालेवाल तो डेरा बाबा नानक विखे अज रात नूं जिहड़ा आ उत्थे नगर कीर्तन जिहड़ा रुकेगा अते उस तों बाद दे विच अगले पड़ा वास्ते जिहड़े चाले आ उह पाए जाणगे। तुसीं देख सकदे हो इत्थे वड्डी गिणती दे विच संगतां जिहड़ियां आ उह मौजूद ने ते उड़ीक कीती जा रही आ कि जदों गुरु महाराज का सरूप लिया के पालकी दे विच सुशोभित किया जाना आ। सुंदर फुल्लां नाल सजी हुई बस जिहड़ी आ उह तुसीं देख सकदे हो ते संगतां जिहड़ियां आ उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा उत्साह देखण नूं मिल रहा। कल भी रस्ते दे विच दर्शन ददारियां वास्ते वड्डी गिणती च संगतां मौजूद सीगियां जिस करके सवेर दे 5:30 नगर कीर्तन नूं वज के गुरु रामदास दे दर ते पहुँचण लग्गियां। सो हुण भी संगतां जिहड़ियां आ उन्हां नूं पता कि नगर कीर्तन इत्थों जिहड़ा आ उह चाले पाउणा आ। कुछ ही देरी दे विच तुसीं देख सकदे हो कि रैड कारपेट जिहड़ा विछिआ आ उस ते दोनों पासे ही संगतां जिहड़ियां आ उह बैठियां होईआं आ ते अगे बस जिहड़ी आ उह भी नज़र आ रही आ। बस दे नाल इक शस्त्रां वाली बस जिहड़ी आ उह भी नज़र आ रही आ जिस दे विच गुरु नानक देव महाराज जी दीआं खड़ावां जिहड़ियां आ उहनां दे दर्शन भी करवाए जा रहे आ। सो तैयारी जिहड़ी आ उह मुकम्मल कर ली गई है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों। अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन जो श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज के 550 साल प्रकाश पुरब नूं मुख रखते हुए जो पाकिस्तान की वो महान धरती श्री ननकाणा साहब जिथे श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज का प्रकाश होया सी उस जन्म स्थान तो कल सुबह 10 बजे ये नगर कीर्तन आरंभ होया सी। मैं समझदा कि बहुत बड़ा उत्साह उत्थों दीआं संगतां सारी पाकिस्तान की संगतां उत्थे आ के उन्होंने जो स्वागत किया जो इस नगर कीर्तन में शामिल होए जिवें पंथक जाहो जलाल दे नाल ये नगर कीर्तन उत्थों आरंभ होया सानू शौक दे नाल आरंभ होया और उत्थों दीआं सरकारां ने पूरा सहयोग दिता है। उन्हां पुलिस का वैन बाजा जिहड़ा सी अगे लग्गिया बच्चों के गत्तके दीआं टीमां अगे होईआं सियां पूरा उत्साह सी उन्हां दे विच देखिया गया। मैं अपनी जिंदगी पहली बार हाँ इस तरह का उत्साह इस तरह की श्रद्धा जिहड़ी है उत्थों देखी गई है। जदों असीं बाघा बार्डर दे उत्ते आए वो उन्हां दे अखां दे विच हंझू सी उत्थों दी संगत दे इस तरह दीआं गल कर रहे सी कि कदों ये दीवारां टुटणगियां कदों असीं खुले तौर पर एक दूजे नूं मिल सकांगे। ये श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज की कृपा साढ़े ते होवे। सो मैं समझदा अज ये नगर कीर्तन ने एक नवा इतिहास सिरजिया जदों देश आजाद होया पहली दफा ये अंतरराष्ट्रीय पद्धर का जिहड़ा नगर कीर्तन होया फिर इत्थे अटारी दे विखे जो स्वागत होया जिस तरह की लखां की गिणती में सिख संगतां इत्थे पहुंचियां और अपनी पार्टी पद्धर तो उपर उठ के हर धर्म के लोग हर राजनीतिक लोग उत्थे सारे पहुंचे से उन्होंने बड़ा बड़ा स्वागत किया। सो मैं समझदा कि इस तरह नगर कीर्तन का एक नवा अपनी मिसाल पैदा करेगा जो सानू श्री गुरु नानक देव साहब ने मिशन दिता है विचारधारा सर्व सांझी बालता का संदेश अमन शांति का संदेश भ्रातृभाव का संदेश दिता है। ये सारा संदेश लैके ये नगर कीर्तन सारे हिंदुस्तान के जाएगा सारे पंजे तख्तों पर जाएगा। रात भी असी देखा कि बड़ा उत्साह से सारे शहर के 5:30 बजे सुबह इत्थे आके कीर्तन की समाप्ति हुई है। सो इन्ना लोगों में उत्साह देखा गया इन्ना लोगों के मन के श्रद्धा देखी गई है। सो मैं भी समझना कि अज इतों 10 बजे ये नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके प्रारंभ होगा और जिहदी जाके और विश्राम जिहड़ा है गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक जिहड़ा उत्थे जाके इहदी होनी है।
सो मैं सारिया संगतों नूं यह भी बेनती करदा कि सारिया संगतां वध तो वध यह महान नगर कीर्तन जिहड़ा श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज के जन्म स्थान तो आरंभ होया और वध तो वध संगतां इस नगर भी शामिल होण और इस नगर कीर्तन का सारी एकता नाल भ्रातरी भाव दे नाल सारे इकट्ठे होकर जिहड़ा आपां इस नगर कीर्तन का स्वागत करिए और अपना जीवन जिहड़ा सफल करिए। सो नगर कीर्तन दियां जिहड़ियां तैयारियां ने वो चल रही ने ते तुसीं देख सकते हो कि बस जिहड़ी आ इस नूं सजाया जा रहा वा ताजे फुल जिहड़े आ उह ला के कल वाले फुल जिहड़े सीगे ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਖੜਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਖਪਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਖੜਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸੋ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਖਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
बिल्कुल तुसी देख सकते हो कि घंटा घर वाले पास्यों निशानची सिंह जड़े आ ओ अगे अगे आ रहे आ ते पिछे गुरु महाराज का पावन सरूप जड़ा आ ओ संगतां नूं जड़ा आ ओ दिखाई दे रहा आ दर्शन जड़े आ ओ हो रहे आ फुल्लां दी वर्खा जड़ी आ ओ तुसी वेख सकते हो कि फुल्लां दी वर्खा जड़ी आ ओ हो रही आ नाल नाल ते वड्डी गिणती दे विच संगतां जड़ियां आ ओ फुल्लां दी वर्खा कर रही ने। सो इंतजार दियां घड़ियां खत्म हुई दर्शन ददारे देने वास्ते गुरु महाराज जिहड़े आ ओ पहुँच चुके आ। पंजां तख्तां की जिवें असीं गल कीती सीगी अकाल तख्त साहिब तों अज अरदास करके जिहड़ा ये महान नगर कीर्तन आ इत्थों अज चाले पा रहा आ। सो तुसीं देख सकते हो कि वड्डी गिणती दे विच जिथे संगतां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुलाजम जिहड़े आ ओह भी मौजूद ने। फुल्लां दी वर्खा जिहड़ी आ ओह कर रही संगतां दा हड़ जिहड़ा आया ओह आया होया ते फुल्लां दी वर्खा लगातार जा रही आ। सो गुरु महाराज दा पावन पवित्र सरूप जिहड़ा ननकाणा साहिब तों कल चलिया सीगा सवेरे 10 बजे ते नगर कीर्तन दे रूप दे विच सर गुरु रामदास नगरी दे विच पहुँचा ते फुल्लां दी वर्खा जिहड़ी आ उसते की जा रही है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब भी नाल जिहड़े आ चल रहे हैं। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े कर्मचारी सोमन किया जा बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सरूप जिहड़े आ उस भाए मन कर दिते गए आ ते आतिशबाजी का नज़ारा जिहड़ा आ ओह भी तुसीं देख सकते हो कि आतिशबाजी जिहड़ी आ ओह इत्थे चलाई जा रही आ। इस नगर कीर्तन नूं तोरन तों पहलां वड्डी गिणती च संगतां जिथे पहुंचियां तुसीं देखिया कि अगे गुरु महाराज के दर्शन करन वास्ते भी अगे अगे जिहड़ियां संगतां सीगियां ओह भी चल रहियां सीआं जिस करके काफ़ी ज़्यादा उत्थे धक्के जिहड़े आ ओह भी लगे तुसीं कैमरे दे विच ओह भी चीज़ देखी। सो फुल्लां दी वर्खा जिहड़ी आ ओह कीती गई ते हुण तुसीं देख सकते हो कि सुंदर फुल्लां दी सजी हुई पालकी जिहड़ी आ उस दे विच गुरु महाराज जी जिहड़े आ इत्थों चाले पाउणगे अपने अगले पड़ाव वास्ते। सो इसके नाल नाल गड़गड़ाहट जिहड़ी आ आतिशबाजी दी ओह भी तुहानू सुनाई दे रही होवेगी। सो ये नगर कीर्तन जिहड़ा आया चलन तो पहलां आतिशबाजी जिहड़ी आ ओह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों चलाई जा रही आ इत्थे ते संगतां तुसीं देख सकते जे कि दूर तक संगतां जिहड़ियां आ ओह नज़र आ रही ने ते समुची इस नगर कीर्तन की कवरेज वास्ते मीडिया कर्मी जिहड़े आ ओह भी पहुँचे हुए आ। सो बहुत ही अलौकिक सुंदर नज़ारा ननकाणा साहिब तो कल सवेरे चले इस नगर कीर्तन दे विच
लखां दी गिणती दे विच संगतां जिहड़ियां पाकिस्तान वाले पास्यों भारत वाले पास्यों शामिल होईयां ते अज फिर एक रात का विश्राम जिहड़ा आ ओह करन तों बाद दे विच एक रात भी मैं समझदा कि जिहड़ी आ ओह पूरी गुरु साहिब दर्शन ददारे देंदे रहे संगतां नूं ते सवेरे 5:30 बजे पहुँचे ते हुण इत्थों अगला पड़ा जिहड़ा डेरा बाबा नानक आ उत्थे जाणा आ। जग माहे पठाया नानक जग माहे पठाया चरण तोए रहे रास कर चरण तोए रहे रास कर। सो मेरे नाल ने भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब उन्होंने गलबात करते हैं तो उन्होंने जानते हैं भाई साहब जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। अज के नगर कीर्तन नू लैके जिहड़ा कल तो पाकिस्तान तो जिहड़ा चल के बहुत ही खुशी ते उल्हास ते बड़ा ही भागां भरिया दिहाड़ा है जो कल श्री ननकाणा साहब पाकिस्तान सतगुरु जी धन गुरु नानक पातशाह जी जन्म स्थान उतों नगर कीर्तन की आरंभता हुई अते कल श्री अमृतसर साहब विखे ये नगर कीर्तन पहुँचा। अज इत्थे विश्राम करन तो उपरंत जो ये नगर कीर्तन की आरंभता अगले पड़ा लई आरंभ हो चुकी है। सो मैं देख रहा कि बहुत भारी गिणती वि संगतां तुसीं भी देख रहे हो अपने चैनल के थ्रू संगतां भी देख रही हैं देश विदेश बैठिया कि कितना भारी उत्साह है संगतां दे विच पालकी साहब सुशोभित हैं सतगुरु जी के पावन स्वरूप सुभायमान हैं पंज प्यारे अगवाई कर रहे हैं ते हज़ारां ही संगतां जो पिछे नाल नाल शब्द गायन कर रही हैं मिल मेरे प्रीतमा जीओ तुद बिन खरी निमाणी मैं नैणी नींदना आवे जी ओ भावे अनन पाणी। सो संगतां नगर कीर्तन के रूप च नाल नाल अगड़े पलारी चल रही हैं। सो धन गुरु नानक पातशाह जी के ये 550 साल बाद प्रकाश पुरब मनाउण दा संगतां दे विच बहुत भारी उत्साह है बड़ी बड़ी खुशी है संगतां नूं कि उन्हां दे जीवन विच सतगुरु जी के 550 साल पावन प्रकाश दिहाड़े आ रहे हैं। सो ये पहली बारी इहो जिहा नज़ारा देखण नूं मिलिया कि पाकिस्तान ननकाणा साहब धन गुरु नानक पातशाह जी दे वो जन्म स्थान तो जो नगर कीर्तन की रमता हुई है वो अमृतसर साहब में पहुंची है। सो गुरु पातशाह बख्शिश करन जी कृपा करन चढ़दी कला की दात बख्शिश करन अते ये नगर कीर्तन अपने मंजिल वल वधा होया धन गुरु नानक पातशाह जी दे उस महान अस्थान गुरदास सुल्तानपुर लोधी साहब विखे जाके समाप्ति होनी है जी। सो गुरु पातशाह बख्शिश करन स्कूल बैंड बच्चों देखो कितना भारी उत्साह है बड़ी भारी गिणती भी स्कूलों के बच्चे आके नाल अपने जो सतगुरु जी दी खुशियां भी शामिल हो रहे हैं। सो बड़ा एक लौके नज़ारा है हज़ारा ही संगतां तुसीं पिछे देख रहे हो कि नगर कीर्तन के नाल नाल जा रही हैं। मैं भी सवेर तो देख रहा हाँ कि संगतां वड्डी गिणती जिते सवेर तो नगर कीर्तन रमता की इंतजार कर रही हैं। गुरु पातशाह बख्शिश करन देश विदेश बैठिया संगतां सिख चैनल के जरिए इस सारे अलौकिक नगर कीर्तन का आनंद माण रही हैं। सो गुरु रामदास पातशाह बख्शिश करन धन गुरु नानक पातशाह बख्शिश करन सानू सारिआं नू अपने दरों करो गुरसिखी जीवन नाम की दात बख्शिश करन अते सारी सिख कौम इकट्ठी हो के इस सतगुरु जी के पावन 550 साल पावन प्रकाश पुरब नू बड़ी चढ़दी कला दे नाल मना सकन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सन भाई रविंद्र सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब तुम देख सकते हो कि नगर कीर्तन जोड़ा आ वो चाले पा चुका आ सुंदर जी सजी हुई पालकी आ उस गुरु महाराज जोड़े दर्शन ददारे संगतान को देने वास्ते जोड़े आ इतों चल चुके आ। सो तुम देख सकते हो कि बड़ी गिणती के संगत जो पहुँचिया ने ते ए नगर कीर्तन जोड़ा आ वो चाले पा रहा आ। सो असी जो गलबात करते हैं भाई साहब के नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। की कहना चाहोगे अज के नगर कीर्तन को लैके बड़ा उत्साह संगत ये जो नगर कीर्तन ये श्री ननकाणा साहब लाहौर पाकिस्तान तो श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के संबंध में सजाया गया है जो कि 3 महीने तक चलेगा 12 नवंबर को पहुँचेगा सुल्तानपुर लोधी। बहुत संगतों में उत्साह वा क्योंकि ये दो जहाना का इंडिया ते पाकिस्तान का सांझा इंटरनेशनल पहला नगर कीर्तन आ इसलिए संगतों में हदों वध के उत्साह वा नहीं तो इंडिया दे भी होंगे आ नगर कीर्तन पर संगतों का इन्ना उत्साह नहीं देखा गया। ये दो जहाना दे इंडिया दे पाकिस्तान का सांझा वा इंटरनेशनल पहला नगर कीर्तन इस वास्ते संगतों में उत्साह वा
इतों सरकारां नूं भी चाहीदा वा कि लांघा खोल दिता जाए ता कि संगतां खुले दर्शन दीदारे कर सकन ते गुरु नानक पातशाह दीआं खुशियां प्राप्त कर सकन। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। सो इह सन भाई परम सिंह जी जिन्हां ने साडे नाल गलबात की। सो स्कूल के बैंड तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े बैंड के नाल भी जिहड़ा नगर कीर्तन दा आ स्वागत कर रहे आ। वख वख अमृतसर शहर के स्कूलों का जिहड़ा बैंड आ उह पहुंचिया होया। कल भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे स्कूलों के बच्चे जिहड़े आ उह पहुंचे हुए सीगे। ते अज जिहड़े आ श्री गुरु रामदास खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल के ये बच्चे जिहड़े कि बैंड के नाल इस नगर कीर्तन की जदों इतों रवानगी हुई आ हुण इतों नगर कीर्तन जिहड़ा रवाना होया अपने अगले पड़ा डेरा बाबा नानक वास्ते। तो वड्डी गिणती दे विच जिहड़े संगतां पहुंचियां उत्थे वख वख स्कूलों के बच्चे जिहड़े आ उह भी इस नगर कीर्तन के विच इस बैंड के नाल जिहड़ा आ उह स्वागत किया जा रहा आ। सो सारी ही दुनिया के वास्ते सिख भाईचारे भी गुरु नानक साहब जी के 550 साल प्रकाश दिहाड़े दियाँ तो इस नगर कीर्तन दियाँ बहुत बहुत जिहड़ियां मुबारकां आ उह असीं दिंदे आ। सो साडे नाल ने भाई सतनाम सिंह जी। सो उन्हां नाल असीं गलबात करांगे जिहड़े कि प्रधान ने फैडरेशन दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाह भाई फतेह। की कहना चाहोगे अज के नगर कीर्तन नूं लैके जिहड़ा संगतां च उत्साह नज़र आ रिहा? अज दा जिहड़ा नगर कीर्तन बहुत उत्साह दे नाल मनाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल पहली बार इतिहास दे विच मेरी बेच ये कभी होया नहीं गा जिहड़ा हो रहा वा। बड़ी खुशी की गल है दो राज्यां दा चाहे दो देशों का मिलने आ। गुरु नानक देव जी ने सारिआं नूं इकट्ठा कीता सी रल के जीन की जाच दसी सी ते किरत कमाई करन की जाच दसी सी। उहदे आधार ते पातशाह की बड़ी तकड़ी कृपा इस कौम ते ननकाणा साहब दे नां दी अरदासां होईआं सी तो अज पूरीआं हो रहीआं वा। उत्थों पातशाह नूं जिहड़ा निकल के आया बड़ी तकड़ी माण वाली गल आ। जिथे माण वाली गल आ उत्थे उधर ते देश ने झंडा था नीवा करके सानू बड़ा तकड़ा आदेश दिता वा। पर साडीआं सरकारां ने झंडा की करना सी जिम्मेवार उत्थे पहुँच भी नहीं सके जिमें कि कैप्टन साहब नूं पहुँचना चाहीदा सी मुख्यमंत्री पंजाब दा सी उह नहीं पहुँचिया। उहदे नाल दा प्रकाश सिंह बादल साहब नूं चाहीदा कई वार उन्होंने मंत्री बन चुके ने जो ते उहनां नूं मुख्यमंत्री नूं चाहीदा सी आउणा। खास करके मोदी साहब नूं मोदी साहब ने की करना सी कितें गुरु नानक देव जी दे नां ते कोई एक रुपया तक नहीं गा उन्हां रखिया भी एक रुपया ही रखिया होवे। उहनां नूं चाहीदा सी जदों कि उहनां दे राज भाग जिहड़े सी सारे इह गुरु साहिबां दी देण आ पातशाह दी देण सी नहीं ते हुण सारे जिन्ने भी इन्हां ने मुसलमान होना सी इन्हां नूं वैसे चाहीदी शर्म दी गल आ। मोदी नूं आप आउणा चाहीदा सी ते इहदे विच हाजरी भरनी चाहीदी सी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਸਨ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਤਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਲੇ ਪਾਏਗਾ। ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਆ।
सो तुसी दर्शन कर रहे हो अलौकिक अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन दे जिहड़ा कल ननकाणा साहिब तो चल के भारत वाले पासे प्रवेश किया आ, जिस दे स्वागत वास्ते कल भी संगतां दा हड़ जिहड़ा वो आया होया सीगा, ते अज भी तुसी देख सकते हो कि संगतां वड्डी गिणती च सुंदर फुल्लां दे नाल सजी हुई है बस जिहड़ी अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन नूं भारत के वक् वक् कोनियां दे विच वक् वक् हिस्सियां दे विच लै के जाएगी। सो दर्शन जिहड़े आ ओ संगतां करन वास्ते पहुँचियां होईयां ने। सो तुसीं देख सकते हो कि संगतां जिहड़ियां आ ओ मत्था टेक रहीआं ने, नाल गुरु महाराज के जिहड़े दर्शन आ ओ कर रहीआं ने। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, तुसीं देख सकते हो कि सेवावां जिहड़ियां आ ओ निभा रहे आ। सोना नाल गलबात करांगे, सिंह साहब जी की कहना चाहोगे देश विदेश की संगत? बड़ी खुशी वाली गल है कि अज नगर कीर्तन जिहड़ा है जो श्री ननकाणा साहब तो प्रारंभ होया सी, अज वो नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहब के स्थान के उत्ते सुबह 6 बजे आके समाप्त होया, तो अज 10 बजे फिर श्री अकाल तख्त साहब तो अगले पड़ा लई नगर कीर्तन रवाना होया। श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पुरब असी मना रहे हैं और इस प्रकाश पुरब नूं मनाउंदियां समूह संगतों नूं इहो बेनती है कि आप गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की बाणी नाल जुड़िए, उन्होंने फलसफे नाल जुड़िए, खंडे बाटे की पाहल छकीए, अमर छके सिंह सज के बाणी पढ़ते हैं, नाम जपदे अपना जीवन सफला करिए, इहो ही साडा 550 साल प्रकाश पुरब नूं मनाउण दा असली मनोरथ। सो मेरे नाल इस वेले भाई मनजीत सिंह जी, उन्होंने नाल असी गलबात जिहड़ी आ ओह करांगे। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, बहुत खुशी हुई है श्री ननकाणा साहब जो अवतार स्थान श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का, उस जगह के दर्शन करके मन अज इन्ना गदगद आया कि अखरां लई बयान नहीं किया जा सकता। बड़ा स्वागत किया उतों की संगत ने, उतों की सरकार ने, और मुस्लिम भाईचारे ने, सिख भाईचारे ने बहुत ज़्यादा वड्डा सत्कार ते माण जिहड़ा इंटरनेशनल जिहड़ा नगर कीर्तन है और श्री गुरु ग्रंथ साहब की गवाही जिहड़ा शुरू होया सरप्रस्ती है शुरू होया सी ते पंज प्यारां दी गवाही च बहुत वड्डा माण मिलिया। मैं समझदा कि ननकाणा साहब जिथों मनुखता नूं रोशनी मिली है और सारी मनुखता नूं जिथे बहुत वड्डा एकता दा भाईचारे दा इकट्ठे रहण दा मिलके रहण दा संदेश मिलिया, उस धरती तो यह नगर कीर्तन आरंभ हुंदा होया अटारी राही रात 5 बजे सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुँचा से। अज फिर इतों ये नगर कीर्तन ये ठाठा मारदा कठ इस गल का प्रतीक है कि सिख संगत जिहड़ी है वह गुरु नानक देव पातशाह जिथों सिख धर्म शुरू होया सी उहदे नाल जुड़न वास्ते, एक नाल जुड़न वास्ते, सच नाल जुड़न वास्ते जिहड़ा है वह गुरु ग्रंथ साहिब दी अगवाई च सारा खालसा पंथ जिहड़ा अज खुशी विच झूम रहा है, दर्शन कर रहा है, और नाल दी नाल यह भी दसन का संदेश खालसा पंथ दे रहा है कि असी अपने गुरु नूं समर्पित हाँ। सो साडी जिंदगी विच आ गया 550 साला ये इंटरनेशनल नगर कीर्तन, सानू जिन्नी खुशी होई आ मैं समझदा है कि वह अखरां नाल बयान नहीं की जा सकती, बहुत खुशी है। देशां दी संगत नूं की कहना चाहोगे जिहड़ी देश विदेश सिख चैनल दे राहीं दर्शन कर रही है? मैं देशों विदेशों बैठे गुरु की संगत नूं नानक ने मल लेवा संगत नूं कहना चाहुंदा कि वह 550 साला जिहड़ा गुरपुरब गुरु नानक देव पातशाह जी का मनाया जा रहा है, इस संबंध में जिथे भी कोई सिख बैठा उत्थे ही 550 सालों समर्पित जिहड़ा है वह खंड पाठ साहब कराउण, खुले पाठ कराउण, सहज पाठ जिन्होंने कहने आ, गुरु नाल जुड़न, एक नाल जुड़न, सत नाल जुड़न और गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़न, बाणी ते बाणे नाल जुड़न, और ये बहुत वड्डा मौका जिहड़ा इहदे तों रह गया। मैं समझदा कि उहदा मनुखता जन्म जिहड़ा है वह व्यर्थ चले जाऊगा, वो ना आया जा आया एक बराबर ही है जिहड़ा गुरु नाल जुड़ा इस टाइम तेरा जिहड़ा जुड़ा। सो मेरे नाल ने भाई रजिंदर सिंह जी मेहता, उन्होंने असं गलबात करते हैं नगर कीर्तन जिहड़ा निकल रहा आ, ये भी जथे दे नाल पाकिस्तान गए उतों नगर कीर्तन जिहड़ा आ लैके आए आ। भाई साहब जी की कहना चाहोगे? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी के प्रवचना सदका काल तारण गुरु नानक आया दे अलाही सरलेख के तहत ये जी शब्द गुरु यात्रा कल बड़े इतिहास सिरजद हो नवा इतिहास बनाद हो कल श्री ननकाणा साहब की पावन पवित्र धरती तो आरंभ होया अरदास करके और अज कल शाम बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया प्रवेश किया
और बहुत बड़ी संगतों की रिसैप्शन संगतों वालों दिए गए सत्कार प्यार मान का सदका बड़ी भावना के नाल अज सवेरे अमृत वेले जी गुरशब्द यात्रा तकरीबन 5 बजे सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुँची है। संगत का इन्ना अथाह समुद्र एक चल रहा है, बहुत व्डे पद्धर उत्ते संगत ने जो पिंड चों हम हमा के पहुंचिया से उन्होंने अपना सत्कार भेट किया और अज बिल्कुल सवेरे जो आरंभ होया श्री अकाल तख्त साहब अरदास करने तो बाद गुरशब्द यात्रा अगले पड़ाव आरंभ हुई है। हूँ अज अमृतसर साहब के हो गए यह अज का राज जरा विश्राम है, यदा गुरु नानक साहब के पावन पवित्र स्थान डेरा बाबा नानक विखे डेरा साहब विखे जाके रात का विश्राम है और रस्ते दे भी बड़े वसी प्रबंध संगत ने इस संगत शामिल हुई है वो सत्कार मान वास्ते सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब ने अपनी श्रद्धा सत्कार भेट करने वास्ते पांच प्यारे साहबान और गुरु नानक साहब प्रति अपना था प्यार सत्कार भेट करने वास्ते वड्डी बड़ी वड्डी गिनती में सिख संगत जिहड़ियां इस संबंध रूट उत्ते आउणगियां और अपना जीवन सफला करनगियां और ये जिहड़ा नगर कीर्तन कल ननकाणा साहब विच एक बड़ा वड्डा इतिहास सिरजदा आ दो मुल्कां दा, क्योंकि ननकाणा साहब पावन पवित्र धरती है जिथे सिखी का जन्म होया और इत्थे इस पंजाब जिहड़ा हिंदुस्तानी पंजाब है ये सिखी पली है। सो हजूर साहब जाके प्रवान चढ़ी है आनंदपुर साहब की पावन धरती से। सो इस वास्ते ये दो मुल्कां दा जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय कीर्तन दरबार के बैनर थले ना थले ये कल उत्थों आरंभ होया और पाकिस्तान दीआं समूह सिख संगत जिन्ने भी उत्थे सिख ने जिहड़ा इधरों 450 का जथा गया से वो भी और उत्थों दीआं लोकल पाकिस्तान के निवासी सिख संगत जिहड़ियां और पाकिस्तान का जिहड़ा हैगा मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी उसके समूह मैंबर साहबान प्रधान साहब जनरल सकत्तर और ये नवी कमेटी बनी है सरदार सतवंत सिंह सरदार अमीर सिंह दोनों प्रधान जनरल सकत्तर ने उन्होंने नाल बहुत पढ़े लिखे जिहड़े व्यक्तियों की कमेटी बनाई है और बड़ी उन्होंने बहुत तनदेही दे नाल इह सारे कार्ज की आरंभता वास्ते बड़ा बड़ा सहयोग दिता और मैं अपने वालों प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हिंदुस्तान दीआं समूह सिख संगतां वालों जिथे उस पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करना चाहुंदा उत्थे नाल दी नाल पाकिस्तान गौरमेंट का जिन्होंने बड़ा वड्डा इस वड्डे कार्ज वास्ते सहयोग दिता उत्थों दी ATBP जिहड़ा डिपार्टमेंट है जिहड़ा साडे उत्थे सिख श्राइन का सिख अपना गुरु साहब के अस्थाना का जिहड़ा मुकम्मल तौर पर देखभाल करती है उसकी डिवेलपमेंट वास्ते जरा वड्डे पद्धर से काम करती है और बड़े शोभनीक सारे अस्थान महाराज साहब के बने हैं बड़े वड्डे पद्धर उत्ते सिख संगत का उत्थे नाल जिहड़ा जुड़दिया ने। तो इस वास्ते उन्हां सारिआं दा और पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी का मैं अपने वालों धन्यवाद करदा और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबर साहबान समूह अहुदेदार साहबान चीफ मुख सकत्तर साहब और जिन्ने भी प्रबंधक चाहे वह पाकिस्तान आरंभता वेले गए चाहे उस तो अगले लोड़ीदे प्रबंधा वास्ते दिन रात एक करके इस शब्द यात्रा की रवानगी बनाने वास्ते अपना वड्डा योगदान पा रहे हैं उन्होंने वही सारे धन्यवाद पात्र आ। सो मैं अपने वालों जिते गुरु नानक साहब के 550 साल प्रकाश दिहाड़े की समुचिया दुनिया में वास्ते समूह सिखों जी बधाई देनी चाहना उत्थे नाल दी नाल जिस रस्ते उ नगर कीर्तन हिंदुस्तान के 17 स्टेटा च हुंदा होया और 5 तख्तों के दर्शन दारे करता होया ये नवंबर के पहले हफ्ते गुरुद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी विखे का संपूर्णता होनी है और मैं समुची सिख हिंदुस्तान वासियों बेनती करनी चाहना कि वड्डे पद्धर उत्ते जिस रस्ते भी जो गुरशब्द यात्रा गुजरनी है उत्थे आओ शब्द यात्रा और साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अपनी श्रद्धा सत्कार भेट करो गुरु साहब दी खुशियां दे पात्र बनो। धन्यवाद सारिआं दा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सन भाई रजिंदर सिंह जी महिता जिन्हां ने समुची जानकारी दी क्योंकि जथे दे नाल पाकिस्तान गए से उत्ते परमिशन का भी कुछ जिहड़ा रेड़का सीगा वह पै गया सीगा बाद दे विच मीटिंग जिहड़ी हुई उस दे विच भी ये शामिल सन। सो समुची उन्होंने गलबात करके जिहड़ी जानकारी आ उह देश विदेश दीआं संगतां दे नाल सांझी कीती आ। रंग बरंगियां चंडियां लाके गलियां सड़कां साफ करा के ओ,
रंग बरंगियां चंडियां लाके गलियां सड़कां साफ कराके संगतां ने हाथ जोड़े सीस झुकाए ने फुल्लां वाली पालकी च फुल्लां वाली पालकी च सतगुरु आए ने फुल्लां वाली पालकी च माहे पठाया सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो अकाल तख्त साहब तो अरदास करके चलिया होया अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन जड़ा आ अमृतसर के वक् वक् गलियां बाजारों के लंघता होया संगतान दर्शन दारे दिता होया जड़ा आ रहा है। तुम देख सकते हो कि संगत जड़ियाँ अगर झाड़ू की सेवा भी कर रही आ पिछे पिछे नगारा जड़ा उस तो पिछे निशानची सिंह जड़े आते उस तो पिछे पांच प्यारे साहबान जड़े आ फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सुंदर वो पालकी वो गड्डी जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सभायमान किया गया है तो अंतरराष्ट्री नगर कीर्तन जड़ा आ उस जड़ा वड्डी गिणती संगत जिथे पहुँच रही ने दर्शन ददारे करन वास्ते उत्थे नाल नाल इस नगर कीर्तन के जिहड़ियां संगत आ होर जुड़दियां जा रही ने भारी गिणती दे विच संगत जिहड़ियां आ वो हाजरियां भर रही ने होर संगत जिहड़ियां नाल जुड़दियां जा रही नाल नाल ही नगर कीर्तन जिहड़ियां आ चल रही ने
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮਨੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹਮੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕੋ ਇਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਇਆ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਰਦੇ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਕਈ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
शहर के वक् वक् इलाकों के नगर निगम के मेयर के वलों जड़े हार्दिक स्वागत के बोर्ड तो होर भी वक् वक् जथेबंदियां वक् वक् संस्थावां वलों जड़े गुरु नानक नाम लेवा ने उन्हां वलों अजय स्वागती गेट अजय बोर्ड जड़े आ वो लगा के स्वागत जड़ा आ वो इस नगर कीर्तन का किया गया आ। इस तरह ही पाकिस्तान वाले पासे भी उत्साह देखने को मिलिया सीगा ते उस तो भी ज़्यादा उत्साह जड़ा आ वो संगतां दे विच इधरों चढ़ते पंजाब वाले पासे तो देखने को मिलिया। गुरु रामदास की नगरी तो अज ये नगर कीर्तन जड़ा आ उसने चाले पाए आ। श्री हरिमंदर साहब तो मजीठा रोड के उत्ते जड़ा आया वो चढ़ चुका है। मजीठा रोड तो हम स्पीड जी नगर कीर्तन की जी थोड़ी तेज हो गई है। तुम देख सकते हो संगत जो मत्था टेक रही ने ते नगर कीर्तन सीधा हूँ इतों अमृतसर तो मजीठा वालू चाले जड़े आ दिते गए हैं। तो मजीठे तो बाद फतेहगढ़ चूड़िया तो फतेहगढ़ चूड़िया तो बाद पिंड मालेवाल मालेवाल तो बाद डेरा बाबा नानक विखे जाके अज रात का जोड़ा पड़ा आ उत्थे किया जाना आ। सो नगर कीर्तन जड़ा आ वो इतों अमृतसर तो मजीठा रोड के उत्ते चढ़ के चाले पा चुका है। संगत तो ही देख सकते हो वड्डी गिणती दे विच नाल नाल चल रही ने। शस्त्रां वाली जिहड़ी बस आ वह भी तुसीं देख सकते हो कि वह भी पिछे पिछे जिहड़ी आ वह चल रही है। सो स्पीड थोड़ी जी तेज़ होगी क्योंकि शहर तो बाहर निकल के आ गए हूँ। शहर के भीड़िया गलियों के आद्या जी रफ्तार है काफ़ी धीमी सी। सो संगत वही गिनती च उत्साह के नाल स्वागत कर रही ही कल भी जो पाकिस्तान तो नगर कीर्तन अमृतसर पहुँचना सगा तो सवेर के 5:30 जोड़े आज गए थे। सो हूँ अज भी जोड़ा डेरा बाबा नानक तक पहुँचना जी वो काफ़ी देर जी हो जाएगी रात का समा जोड़ा हो जाएगा। सो ये नगर कीर्तन जरा ननकाणा साहब तो चलिया सीगा पाकिस्तान तो कल वो पहुँचा सीगा अज सवेरे 5:30 अमृतसर अमृतसर तो हूँ ये डेरा बाबा नानक वास्ते रस्ते दे विच पड़ा जड़ा करता हुआ डेरा बाबा नानक विखे अज रात का ठहराव जड़ा वो करेगा। सो संगतां नूं सिख चरण दे राही असी दर्शन करवाए इस नगर कीर्तन के। सो नाल दी नाल असी धन्नवादी हाँ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी देवी जिन्हों के वालों ये बहुत सुंदर उपराला जोड़ा वो किया गया। सो अज का ये जो नगर कीर्तन है हम चाले पा चुका मजीठा। सो इतें ही असी अज का प्रोग्राम जोड़ा समाप्त करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।
नानक जग माहे पठाया, गुरु नानक जग माहे पठाया, चरण तोए रहे रास कर, चरण तोए रहे रास कर, चरणामृत सिखा पिलाया, नानक आया नानक आया नानक आया, पवना जगवर